लगता है तुम्हें रोमांस काफी पसंद है। नहीं, रोमांस पढ़ना कोई जुर्म तो नहीं? मगर लोगों की नजरों में जुर्म ही समझा जाता है। तुम लोगों की नजरों में मुजरिम बनने से डरती हो? लोगों की नजरों में गिरने से डरती हूँ। देखो, लोगों की परवाह मत किया करो। खलकते शहर क्या है, उसे तो कहने को फसाना चाहिए। आप मर्द है ना, इसीलिए कह रहे हैं। नहीं नहीं, इसमें जेंडर की कोई तशखीस नहीं है। मेरे हिसाब से अपने एहसासात को, अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखना, ये खुदकुशी है। आप सूरज हैं, शायद इसीलिए रात के दुख को नहीं जानते। मैं लड़की हूं और अपने एहसासात की बहुत कड़ी सजा भुगत चुकी हूं। तुम्हारे जुमलों में तो बहुत रिदम है, लगता है म्यूजिक में भी काफी दिलचस्पी है तुम्हें। बहुत, पहले बहुत शौक से सुना करती थी क्लासिकल। हमारे घर में एक पुराना रेडियो था, उसमें रेडियो पाकिस्तान का क्लासिकल प्रोग्राम सुनती थी। क्लासिकल, गुड चॉइस। पर अब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि रेडियो बेचना पड़े। लेकिन आजकल तो रेडियो सेलफोन में मौजूद है। मुझे याद पड़ता है बाजी ने तुम्हें सेलफोन लेके दिया था। वो मैंने बंद कर दिया। देखो, कुछ सफर ऐसे होते हैं जिसमें पैरों से ज्यादा दिल थक जाता है, लेकिन ऐसी सूरत में दिल को आराम देने का एक ही तरीका है, अपने दिल को उनकी यादों से आजाद कर लो जो कि परेशान करते हैं। ये इतना आसान नहीं, खुसूसन जब हाथों की लकीरों की तरह लोग आपकी जिंदगी पर छाए हुए हैं। और अगर वो आपकी हाथों की लकीरों में हो ही ना, फिर देखो, खुद को बाजल की आफरीन से आजाद करवा लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। पसंद नहीं है तो इट्स ओके, इसको ऊट पटांग कहने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो ये मैं मुश्किल चीजें सुनूंगी या इनमें पढ़ूंगी। जस्ट लीव इट। तुम कुछ ज्यादा ही रूड नहीं हो रहे? नहीं, लगा तो ऐसे ही है। लग तो मुझे भी रहा था जब तुमने इन्हें ऊट पटांग कहा। तुम्हें काम क्यों नहीं करते, इसी जमाने में चले जाओ ना। I just wish, I really wish. इतने बेजार? Of course. क्या हुआ है? इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो तुम? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। can you please leave me alone, please? Excuse me? तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं कमरे से बाहर चली जाऊं? It means मैं तुम्हें इरिटेट कर रही हूँ। कहने का मतलब ये नहीं था। बात तुम्हारे कहने का यही मतलब था, बहुत साफ तरह से तुमने यही कहा है। लिसन, तुम्हारे साथ बैठने का मुझे कोई शौक नहीं है, मैं भी तुम्हें बर्दाश्त ही कर रही हूं, समझ आई? प्लीज कम डाउन, जस्ट शट अप, स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ किड। मरो अकेले।
ये आपका नाश्ता। रमजान बाबा ने भिजवाया और आपकी ब्लैक कॉफी भी है। असल में ये बाबी ने रमजान बाबा को कहीं बाहर काम से भेजा। तुम नहीं पियोगी कॉफी? नहीं, मैं नहीं पीती। थोड़ी देर बैठ सकते हो तुम? जी। तुम नहीं पीती कॉफी? नहीं, मैं नहीं पीती। बल्कि ये भी रमजान बाबा ने बनाई है। वो तो मैं इधर आ रही थी तो फिर मैंने सोचा मैं ले आऊं। आदत डालो तुम भी पीने की। बहुत सी कड़वाहट सहने की आदत हो जाती है। आपको अभी भी कड़वाहट की जरूरत है क्या? I'm sorry, वो गलती से मुंह से निकल गया। सॉरी, मेरा मतलब आपको हर्ट करना नहीं था। कहती तो तुम भी ठीक हो, अब मेरे अंदर कड़वाहट की जगह बची कहां है? पता है, जब भी मेरा ब्लड टेस्ट होता है ना, मुझे लगता है जैसे मेरी एक ही रिपोर्ट आएगी, उसमें लिखा होगा जहर। और आपको पता है, अगर मेरा ब्लड टेस्ट हुआ तो मेरी क्या रिपोर्ट्स आएंगी? सिर्फ बीमारी। मसलन बेकदरी, बेबसी, बेचारगी। मुझे बहुत अफसोस होता है ये सोच के, अपनी इज्जत के खामखा दागदार हो जाने का। क्यों हैं हम इतने गरीब? क्यों नहीं है हमारे पास अपना घर? अगर मेरी जिंदगी में इतने सारे क्यों ना होते तो फिर ये हालात भी ना होते। क्यों औरंगजेब भाई, हाँ मुझे भाई मत कहा करो। थी? नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि इतने अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं तो भाई कहने से बहुत फॉर्मल लगता है। अब तो अंडरस्टैंडिंग भी होगी हमारे बीच में काफी, इसलिए हम। मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। इतने सालों बाद तुम्हारी आवाज सुन के अच्छा लगा। क्यों फोन किया मुझे?
सिर्फ हेलो सुनने के लिए। सुननी, आइंदा इस नंबर पे मुझे कॉल मत करना। एक सेकंड है प्लीज, मेरी एक बात सुन लो, एक बार मिल लो मुझसे। सुनो, मेरे पास अब टाइम नहीं है तुमसे मिलने का, मुझे प्रॉब्लम है, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तुम इतने लोगों से मिलती हो, इतने क्लाइंट से, तुम मुझसे भी मिलो। मुझसे मिलने में क्या कबाहत है? सिर्फ एक बार दिल पर जबर रखे मिल लो मुझसे। मैं कल शाम ठीक 6 बजे उसी कैफे में तुम्हारा इंतजार करूं जहां मिला करते थे। I'll be waiting. Hello. Sorry, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर होंगे। नहीं नहीं, सॉरी, तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हारी डायरी यहाँ पर खुली पड़ी थी इसलिए मैंने देख ली। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि तुम्हारा शौक तो बहुत आला है। हाँ हाँ, ये तो बस ऐसी फारिग वक्त में कभी कभी। थैंक यू, तुमने मेरी इस छोटी सी लाइब्रेरी को इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ। मैं सच में ये काम बहुत खुशी से कर रही हूँ। अगर मजबूरी ना होती तो ये रकम आपसे कभी भी ना लेती मैं। ऐसा तुम्हें बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मसरूफ ना होता तो शायद मैं कुछ कर लेता, लेकिन तुम जानती हो मेरे कामों की वजह से मैं टाइम दे नहीं पाता और तुम ये सब मेंटेन करती हो। मजबूरी है मेरी। नहीं आफरीन, ये जरूरी है। आप और आंटी सबसे कितने मुख्तलिफ हैं ना। अच्छा, वो कैसे? केयर करते हैं सबकी, सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हैं आप। थैंक यू। रशीदा को कह के प्लीज कॉफी भिजवा देना है। जी। अगर तुम बेचैन रही हो तो सुकून मुझे भी नहीं मिला। बस थक गया था मैं। उस दिन तुम्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाया। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। हम लोगों के वो रास्ते नहीं रहे और ना ही ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव है। मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा तुम ही रही। लेकिन मैं वो 10 साल पुराने वाली हिबा नहीं हूं। I'm a professional woman. काम करती हूं। ये क्या तुमने बच्चों वाली बातें करना शुरू कर दी है? मुझे इन बातों से बहलाओ फुसलाओ मत। और मैं भी 10 साल पहले वाला वारिस नहीं हूं, एक पॉलिटिकल फिगर हूं। तुम जानती हो तुम्हारे साथ इस तरह देख के लोग क्या बातें बना सकते। लेकिन अब मैं ये बोझ नहीं उठा सकता। मैं जानता हूं तुम प्रोफेशनल औरत हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम इटली गई। यू वर नॉमिनेटेड बेस्ट डिजाइनर फ्रॉम एशिया। तुम मानोगी कि मैं उस क्राउड में मैं भी था। मैं तुमसे पहले ही पहुंच गया। लेकिन
तुमसे मिल नहीं सकता क्योंकि अम्मा से कसम खाई, उन्हें फौत हुए 6 महीने हो गए, अब भी वक्त है, हम अब भी एक हो सकते, ना तुम अपनी जिंदगी में खुश हो और ना मैं। बहुत खुश हूं। इधर देखो, मेरी आंखों में देख के कहो कि तुम खुश हो। मैं अब भी तुम्हारे लिए वही वारिस हूं। तुम जो नहीं भी कहती मैं सुन लेता हूं। झूठ बोल के मुझे मत बहलाओ। मैं जानता हूं कि तुम अपने बिजनेसमैन हस्बैंड औरंगजेब के साथ कैसी जिंदगी गुजार रहे हो। एंड डोंट इवन ट्राई टू फूल योरसेल्फ हिबा। कम ऑन हिबा, मेरी तरफ देखो, मैं आज भी तुम्हारा मुंतजिर हूं। मैं 2 शादियां कर सकता हूं, हालात पहले वाले नहीं है। मेरी मां भी जिंदा है, मैं ये सब नहीं कर सकती, और वैसे भी ये घड़ी दो घड़ी करने वाला फैसला नहीं है। हिबा, मैं मनाऊंगा उन्हें, तुम हाँ तो करो, और ये फैसला घड़ी दो घड़ी का ही है। शेमोन। हिबा, हिबा, ये देखो, ये है वारिस सुल्ताना।